नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज की वीडियो है स्टडी इन लक्ज़मबर्ग उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लक्ज़मबर्ग के अंदर एक ही यूनिवर्सिटी है पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ लग्ज़म्बर्ग जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती हैं वहाँ के जितने भी प्रोग्राम हैं मास्टर में आपको मैक्सिमम प्रोग्राम्स मिलेंगे बैचलर का एक ही प्रोग्राम है लेकिन वहाँ पर एडमिशन लेना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर बैचलर इवन मास्टर में भी क्योंकि फ्री स्टडी होने के कारण देर ए कंपटीशन देयर और वहाँ पर जो सीट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए थर्टी फोर्टी यही सीट्स हैं और पूरा वर्ल्ड इस कंट्री के अंदर अप्लाई करता है तो जो बच्चों की क्रीम प्रोफाइल्स हैं मैं कुछ प्रोग्राम्स भी बताऊँगा जो लेगजम्बर्ग के अंदर अवेलेबल हैं और मैंने पिछले चार साल से लेगजम्बर्ग के अंदर हम स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए भेजते हैं लेकिन वो चार साल का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है प्रोफाइल देखने के बाद आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि आपका एडमिशन आ सकता है या नहीं आ सकता है मेरे पास फ्री स्टडी नॉट इन लग्ज़म्बर्ग जब भी मैं फ्री स्टडी का केस लेता हूं किसी भी स्टूडेंट का मैंने फिर बता दिया मेरिटोरियस स्टूडेंट है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है तो देन देर इज़ नो एनी प्रॉब्लम और ऑलवेज ही हम तीन ऑप्शन अनदर कंट्रीज़ के भी लेकर चलते हैं जहाँ पर फ्री में स्टडी प्रोवाइड की जाती है अगर बच्चा मेरे पास लग्ज़मबर्ग के लिए रजिस्टर्ड होता है एक ही फीस के ऊपर ऐसे जो प्रिविलेज है सिर्फ इमिग्रेशन के पास ही मिल सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप फ्री में स्टडी ले सकते हैं इवन कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आ, फ्री स्टडी इन अब्रोड उसके अंदर भी मैंने कुछ कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था हमारे पास तेरह ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्री में स्टडी ले सकते हैं बट उसके अंदर कंडीशन यही है कि बच्चे की प्रोफाइल कैसी है लगजमबर्ग स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है छोटी सी कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है साढ़े छः लाख की पॉपुलेशन है एरिया का डिस्कस करें टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड स्क्वेयर किलोमीटर का इसका एरिया है तो साढ़े छः लाख की पॉपुलेशन है करंसी इसकी यूरो है अगर इस कंट्री की बॉर्डर कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करें इसके बेल्जियम फ्रेंच फ्रांस और जर्मन लगा हुआ है इसकी अपनी तीन ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच जर्मन और लग्जम्बर्गज दीज आर द थ्री मेन लैंग्वेज और इंग्लिश भी बोली जाती है इवन यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोग्राम हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मास्टर में हैं इंग्लिश टोट में हैं जिनकी फीस आई थिंक सो एक सेमेस्टर की 500 यूरो की है तो लेकिन इट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ये जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लेगजम्बर्ग ये 2003 में फाउंड हुई थी और इस यूनिवर्सिटी के अंदर चौदह फैकल्टीज़ हैं प्रोफेसर्स हैं वो भी नब्बे कंट्री से नब्बे कंट्री से चौदह सौ बीस फैकल्टीज़ हैं सेवन थाउजेंड से ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है इस यूनिवर्सिटी के अंदर तीन लैंग्वेज में आपको बैचलर मास्टर मिलेंगी कौन कौन सी है फ्रेंच में जर्मन में और इंग्लिश में तो इंग्लिश टॉट में इंटायरली इन इंग्लिश और बालेंगुल में फ्रेंच जर्मन जर्मन फ्रेंच ऐसे भी मिल सकती हैं अगर आपने जर्मन टॉट या फ्रेंच टॉट में लेना है तो आपके पास बी टू होना मैंडेट्री है चाहे वो फ्रेंच का है चाहे जर्मन का है अगर आपने इंग्लिश टोट में लेना है तो अगर आपकी प्रीवियस स्टडी भी इंग्लिश में है तो देयर इज़ ए चांसेस कि आपको एडमिशन मिल सकता है बट जिसको चार साल का एक्सपीरियंस है इस यूनिवर्सिटी के साथ डील करते हुए उसको मालूम है कि अभी आपका हम विदाउट आउट आई एल टी एस विद एम ओ आई डालें या विद आई एल टी एस डालें ये ऐसा एक्सपीरियंस वही शेयर कर सकता है जो इस कंट्री के साथ इस यूनिवर्सिटीज के साथ चाहे एडमिशन्स में चाहे वीज़ाज़ में वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोग्राम कौन कौन से हैं मास्टर में मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा अगर आपने लक्ज़मबर्ग में फ्री में पढ़ने के लिए जाना है तो क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं मैं प्रोग्राम से आपको इंग्लिश टोट बता देता हूं कौन कौन से हैं फैकल्टी इनके पास तीन है आ, एक तो आपको इंजीनियरिंग है ह्यूमैनिटी है तो एक मेडिकल है तो मेडिकल में आपको जो मास्टर प्रोग्राम मिलेंगे मास्टर इन इंटीग्रेटेड सिस्टम बायोलॉजी एम वाले सिस्टम स्टूडेंट uh, और जिन्होंने बैचलर मेडिकल से की हुई है उनको ये एडमिशन मिल सकता है इंटरनेशनल मास्टर ऑफ साइंस इन बायो इवन एम वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं यूरोपियन मास्टर ऑफ स्मॉल एनिमल वैटनरी मेडिसन जिन बच्चों ने बी एस से की हुई है इंडिया से या किसी भी फॉरेन कंट्री से उसके लिए दिस इज़ वेरी लिक्यटिव प्रोग्राम बैटनरी से रिलेटेड मेरे पास कम से कम चौदह ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर हमारे पास ऑप्शन हैं जहाँ की फ़ीस पच्चीस यूरो से स्टार्ट होकर यहाँ पर तो पाँच की है मतलब पाँच यूरो से स्टार्ट होकर सिक्स यूरो की है तो अगर आप बैटनरी में भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं चाहे बी एस सी चाहे मास्टर इन कुछ बैटरी में करना चाहते हैं तो उसके भी ऑप्शंस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं तो इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में हमारे पास कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर साइंसेज है मास्टर इन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी मैनेजमेंट है मास्टर इन इंटरडिसप्लिनरी स्पेस मास्टर है ये इंग्लिश टोट प्रोग्राम्स हैं इवन हमारे पास इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग इसमें भी आपको इंग्लिश टोट मिल सकता है मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट क्रिएशन में मिल सकता है इसी तरीके से मास्टर इन मैथमेटिक्स में भी इंग्लिश मिल सकती है मास्टर ऑफ डाटा साइंसेज दिस इज़ ए वेरी डिमांडेड प्रोग्राम है इसमें भी आपका हम हेल्प कर सकते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और इसी तरीके से मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिट मास्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन मास्टर ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट इज़ आल्सो वेरी डिमांडेड प्रोग्राम मास्टर इन क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस है मास्टर इन वेल्थ मैनेजमेंट है तो ये हमारे पास वहाँ के नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं इवन मैं और दो तीन आपको इंग्लिश के प्रोग्राम बता देता हूँ मास्टर इन आर्किटेक्चर्स में मिल सकता है मास्टर इन जोग्राफी एंड स्पाइटल प्लानिंग में मिल सकता है इवन मास्टर इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी यूरोपियन फिलोसफी में मिल सकती है मास्टर इन सोशल साइंसिस एंड एजुकेशन में मिल सकती है दीज आर द मास्टर प्रोग्राम अगर इनमें आपने एडमिशन लेना है बैचलर का भी एक प्रोग्राम है दिस इज़ वेरी टफ उसमें भी एडमिशन लेना है मैं हेल्प कर सकता हूँ लेकिन वी कुड नॉट गिव दरंटी अगर आपका एडमिशन अपने लेवल पर आया हुआ है किसी भी लगजमबर्ग यूनिवर्सिटी से तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फर्दर वीज़ा की इवन आप किसी भी कंट्री में हैं वहाँ से लग्जमबर्ग में एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है लग्जम्बर्ग से रिलेटेड और शैनगन कंट्री से रिलेटेड और फ्री स्टडी इन यूरोप से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के ऊपर अगर उनको भी देखना है तो हमारे चैनल को ब्रोज करके देख सकते हैं लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना बोले थैंक यू